माँ दुर्गा के नौ स्वरूप की आराधना का त्योहार यानी शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ ही अखंड ज्योति और जवारे बोने की भी परंपरा है। इस बार शारदीय नवरात्रि को बेहतर शुभ माना गया है। सोमवार को पहला और बुधवार को आखिरी दिन रहेगा। इस कारण देवी हाथी पर सवार होकर आएंगी और इसी सवारी पर वापस जाएंगी। ग्रंथों में माना गया है कि माँ का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। तो वहीं माँ दुर्गा की आराधना की तैयारी करने के लिए 24 और 25 सितंबर को शुभ मुहूर्त रहेंगे। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी के अनुसार 24 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और बुध आदित्य योग रहेगा। इस संयोग में मिट्टी का कलश, दीपक, अनाज और 16 श्रृंगार की चीजें खरीदना शुभ मानी जाती हैं। तो वहीं 25 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, हंस और बुध आदित्य योग में पूरे घर को शुद्ध करना और स्थापना की तैयारी करना बेहद शुभ रहेगा। इसके अलावा कलश स्थापना और देवी की चौकी बैठाने के लिए स्थान पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करें, फिर वहां लकड़ी का पटा रखकर अगले दिन स्थापना करें। डॉक्टर गणेश मिश्र के मुताबिक देवी आराधना के 9 जरूरी हिस्से होते हैं, जिसमें पहला है कलश स्थापना, फिर देवी की चौकी बैठाना, पूजा करना, अखंड दीपक जलाना, दुर्गा सप्तशती पाठ, व्रत, हवन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन और क्षमा प्रार्थना शामिल है। कलश स्थापना के लिए चौकी, लाल कपड़ा, पानी, गंगा जल, चंदन, मौली, इत्र, फूल, दुर्वा, अक्षत, सुपारी, नारियल, सिक्का, फूलमाला और 7 तरह के धान की जरूरत होती है। नवरात्रि में जौ बोने के लिए चौड़ी और गहरी मिट्टी का बर्तन, शुद्ध और साफ मिट्टी का इस्तेमाल करें। अखंड दीप जलाने के लिए मिट्टी के बड़े दीपक में मौली और रुई से बत्ती बनाएं। दीपक में तेल या घी डालें, साथ ही दीपक के नीचे अनाज रखें। माँ दुर्गा की पूजा के लिए 16 श्रृंगार काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए देवी की आराधना के समय उनके 16 श्रृंगार का खास ख्याल रखें। नवरात्रि में नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आराधना खंडित हो जाती है। साथ ही व्रत करने से पहले लहसुन, प्याज और तामसिक चीजें भी छोड़ देनी चाहिए। तो इस नवरात्रि देवी की आराधना की तैयारी वीडियो में बताई चीजों को ध्यान में रखकर